एक अंडा रखे बाय हाँ। और एक तो हम अंडा दे अच्छा अंडा देने लगे पता नहीं ये कंकना तो जीती कराए थे ना नहीं ले बेटी देखा फोटो ले बेटी का बताई जाती है इतना सुबह हो गई है अब ये मैं झाड़ू लगा कर और गुलती का कोयल भूसा कराई बा क्योंकि मैं ढक्कन लगा पापा में तक सोवत हूं तो वो लड़का सुन रहा है मैं जब सुबह उठने ना मुझे पैसा पापा जब वो मुझसे बहुत परेशान अरे चाची 10 बजे के बाद सोए उठे तो मजा ही कुछ अलग होता कि ना भैया चुप कर पे कुत्ते हम गए रहन काल अपने ससुराल हुआ रहा मेला अब हुआ गायन बढ़िया जिलेबी लगी हमारे मन का एकदम बना रहा खाएन खूब अब घर हूँ वाले टाइम लगी अब घर आन के देखे लड़के में रहो सब सुआ गए अब का कि हमारा मन पसंद तो रहा कि हमारे पर्दा अपना है वो खाए अब हजूर लगा तो पेटन को दिक्कत हो गई बात है यही नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई देखो भैया अरे है लटवा रहता हो पुजारी भाज के का लटो मांगे अरे ना ही जाते हम बहरे ये दिया हो चाची अब जही लोटे लेके विद्या सिंह अरे का बताइए खेते जाब हम गहुआ तना पाग बजा बा काटे अरे झाड़े जात है झाड़े जात है हां तू लागत तो हमें झाड़ दी अरे चाची हम का बता एकदम पगले मेहरारू मिल गए बा एकदम अरे हम लैट्रिन करे जात है कहां जाब लैट्रिन रोडवा पे ये देखो चाची रोडवा पे जब जन तक कलुआ ललुआ साइकिल लेके जाके उनके तक कम लग के अरे हम लाइन नलब धोई लिए ये देखो चाची नलब जब धोई लेबा ना जरा दूषित होई के ये देखो तो गऊ आले का हां देखो जरा पे बीमार हो तो बीमार हो जाबा अरे हमको जान इतना लाओ हम जो हम जाए जल्दी ऐसे तो ना मन दियो दियो जल्दी तुम जाए लेकिन समझा समझा हर दिन तुमका समझाए ना बाबू प्रधान ने समझाई है प्रधान जी बताइए क्या बात है इनसे पूछिए कहां जा रहे हैं कहां जा रहे हो शौच करे जा शौच करने जा रहे हो कहां पे जा फिर रोड पे रोड पे सर दो मिनट रोड पे जा रहे हो हाँ। तो रोड पे जाओगे तो क्या होगा खुले में शौच करने से हमारी वातावरण हमारी हवा दूषित हो जाएगी गंदी हवा हो जाएगी और वही गंदी हवा हम सांसों अनेकों प्रकार की बीमारियां होगी अरे कहना क्या चाहते हो अच्छा ये बताओ जब तुम्हें शौचालय नहीं मिला था तो हमारे दरवाजे पे डेली आते थे नहीं मिला था तो डेली प्रत्येक दिन जो हमारे दरवाजे पे आते थे कहते थे प्रधान जी हमें शौचालय चाहिए आपको शौचालय मिला और आपके छोटे भाई को शौचालय मिला आपके घर परिवार में 2 शौचालय मिला तो शौचालय का काहे नहीं प्रयोग करते हो हमारे खाने का कहीं प्रयोग है ना करत हो कैसे करते हो एक ठुम तो हमारे छोटकी कंडा रखे बाय एक ठुम हम अंडा दे शाबाश अंडा देने लगे पता नहीं जीती कराए थे ना हाँ। अंडा बेचे थे अच्छा अंडा बेचते हो और का इससे प्रॉफिट होती है और का 4-5 रोज कमाई थे कमाते हो हाँ। उसका 4 गुना दवाई इलाज में खर्च कर दोगे अगर ऐसा कर रहे हो तो हाँ। भाई बात समझ में कुछ हाँ। पढ़े लिखे हो कि नहीं ना फिर क्या बताऊँ हम लिंटर पास ही भैया कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं तभी तो गंदगी ऐसा कर रहे हो नहीं बताओ जो है ऐसा करने से हमारी वातावरण दूषित हो जाएगी तो उससे बीमारी होगी इससे बचने के लिए आपको शौचालय दिया गया तो एक में कंडा एक में अंडा ऐसा तुम चल कर रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या है क्यों नहीं जा रहे हो हाँ बताओ जब तक बहरे ना जाओ और थैली में से सुरती निकाल के मिंच के दूध पट पट मार के खाओ ना और दुईदा बीड़ी ना सुरकाओ तब तक प्रेशर वही ना बनाओ अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर अरे जामन मजा पा खुले सोच में नहीं मजा शौचालय में अब बीड़ी तंबाकू से प्रेशर बनेला पानी छुअब जाके ताले में सुनिए प्रेशर बना रहे हो ताल में पानी छू रहे हैं ना पूरे गांव के गांव लोग बीमार हो जाएंगे आई बात समझ में इससे बचने के लिए स्वच्छता जागरूकता के तहत जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है आपको शौचालय दिया गया है
और आप शौचालय का ही प्रयोग करिए, उसके अंदर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जाते हो? प्रधान जी मन जात रहे, हफ्ता बहुत गंदा है, एकदम जैक मनना है। अच्छा, उसमें बदबू करने लगा, इसका मतलब साफ सफाई नहीं करते हो? अरे दो बाल्टी पानी फेंका था भैया, दो बाल्टी पानी जो शौचालय मिला है उसके अंदर साफ सफाई नहीं करते हो, तभी उसके अंदर गंदगी होती है, कैसे साफ करते हो? दो बाल्टी पानी फेंका, दो बाल्टी पानी डालते हो, दो बाल्टी पानी से शौचालय साफ होता है, दूर से मार के चले जाते हो, तब कैसे देखे हो कि नहीं? देखिए क्या है ये, इंटर पास हो ना, कुछ पढ़े लिखे नहीं हो पढ़ भी नहीं पाओगे। या हम इंग्लिश पढ़न तो अपने क्लास से टॉपर रहने के लिए पढ़ के बताओ, ये पढ़े हाँ H A R I P हरि प्रकाश नहीं थी, हार्पिक से है जो है, इसको आपको शौचालय में डालना है, उसकी सीट पे डालना है, वही डाल के हो, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, बोतल सही ना, ये लिक्विड है, ठीक है, इसका कैप खोल के उसके सीट पे डालना है और एक बड़ा सा ब्रश आता है, माजे वाला नहीं। चुप कर पे कुत्ते, एकदम से जो जाहिल हो, दांत वाला ब्रश नहीं है, टॉयलेट वाला ब्रश लंबा सा बड़ा सा आता है, उसे आपको हफ्ते में दो बार साफ सफाई करना है, अगर नहीं सफाई करोगे तो क्या होगा जानते हो? जब उस शौचालय में आप जाओगे तो वहाँ की हवा दूषित होती है, गंदी हवा हो जाएगी, शौचालय साफ नहीं होगा, इससे जो है बीमारी हो जाएगी, इसलिए जो है हाथ नहीं धुलते हो? अरे बाल्टी में पानी भरा था तो धो लेते। अच्छा, बाल्टी में पानी भरा तो उसमें धो धुल लेते हो, ऐसे नहीं साफ होता है और बीमारी फैला दोगे। आपको जो हैंड वॉश का प्रयोग करना है, साफ सफाई का प्रयोग करना है, इंस्टाग्राम फेसबुक समझते न जा कहीं, तब कैसे जा भी तो गाना गा बता इस कैसे। यही नहीं, अभी और सुनिए, पहले शौचालय बनवावा तब गवनवा जाइबना। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। शौचालय जे घर मा रही होई नहीं बीमारी, होई नहीं बीमारी हो भैया, होई नहीं बीमारी, और घर का इज्जत घर मा रही खुश रही नरना, हसी हस कहीं है सारा जहनवा तब गवनवा जाइबना। आप लोग कैसी लगी आगे स्वाद?